हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मारिया जाहिद और आज मैं अपना फेशियल घर पे करी हूँ। किस तरीके से करी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल क्लेंजर लिया ताकि मैं डबल क्लेंज मेथड यूज़ कर सकूँ अपने चेहरे को साफ़ करने के लिए और अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद, साफ़ करने के बाद अपना मेकअप। इस ऑयल क्लेंजर से मैं यूज़ करूँगी अपना फेस वॉश जो कि है बनाना ब्लॉसम फेस वॉश। जी जनाब, तो ये हमारा स्टेप टू है और बनाना ब्लॉसम फेस वॉश से आप जब फेस वॉश करेंगे तो आपका डबल क्लेंजिंग जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका चेहरा बहुत साफ और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा जैसा कि आप देखने वाले हैं। जी जनाब, तो आप चेहरे पे ग्लो चेक कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा स्टेप थ्री जो कि है एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रब। हम करेंगे ऑरेंज नट स्क्रब का यूज़ जो कि हमारे ब्रांड फ्रक्टिव बाय मारिया जाहिद का है। आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे फेसबुक पेज से। रिजल्ट आपके सामने है जी। स्क्रब के बाद हम यूज़ करेंगे मास्क जो कि है बटर स्किन मड मास्क। इसको मैंने रोज वाटर के अंदर मिक्स करके इसका पेस्ट बना के मैंने इसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगाया और उसके बाद इसके ड्राई होने का वेट किया और ड्राई होने के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। ये आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करेगा और इंस्टेंटली आपके फेस के ऊपर एक ब्राइटनेस और ग्लो आएगी और एक शाइन आएगी जो कि आप देख सकते हैं। नाक की टिप चेक करें, चीक्स की टिप चेक करें, अच्छा जी एप्पल ऑफ माई चीक्स चेक करें। उसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ पोर फिलिंग मास्क ताकि जो भी मेरे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो सेट हो जाए, मेरे पोर्स क्लोज हो जाए, स्किन मेरी सीमलेस हो जाए, स्मूथ टेक्सचर हो जाए। साथ ही साथ ये पोर फिलिंग मास्क आपकी स्किन को करता है डिटॉक्स। जी जनाब, आप चेहरे के ऊपर एक फ्रेशनेस, एक ताजगी, एक ग्लो चेक कर सकते हैं। आफ्टर दिस पोर फिलिंग मास्क आई एम यूजिंग माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट विच इज़ प्योर फेस ऑयल। और इसके बाद आपने अपने चेहरे का करना है अच्छे तरीके से मसाज। प्योर फेस ऑयल को आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, 10-15 मिनट पहले लगा लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जी जेड रोलर और गोशा स्टोन जो भी अवेलेबल है, मैं दोनों से करके दिखा रही हूँ। जो भी अवेलेबल है ऑयल, प्योर फेस ऑयल लगाने के बाद आप इन दोनों में से किसी भी एक टूल से अपने चेहरे का मसाज करिए। उसके बाद हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आई सीरम है, इसको यूज़ करें। आपकी आँखों के नीचे झुर्रियाँ या फाइन लाइन्स नहीं आने देगा, आपकी पफिनेस को कम करेगा और डार्क सर्कल्स को भी स्लोली स्लोली कम करेगा। उसके बाद जी मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर जो कि है क्रीम ऑफ बेरी लोशन जो कि है ऑयल नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, और दूसरा हमारा है हनी ग्लो पोशन जो कि है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। तो मैं यहाँ पे हनी ग्लो पोशन यूज़ कर रही हूँ और ये मैं रेडी हूँ। मेरे चेहरे की खूबसूरती देखिए, मेरा रंग देखिए, मेरी फ्रेशनेस देखिए, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा।